मैं कॉटन में मार के ले लूँ, ऐसे ज़्यादा चला जाता है तो लगा के छोड़ देते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सोचोगे आज मैंने हेयर को क्यों कवर कर रखा, हेयर को इसलिए कवर कर रखा है फ्रेंड्स क्योंकि मैंने हेयर सुबह ही वॉश कर लिए थे और मैं नहा भी ली थी वैसे तो सुबह, पानी आ रहा था तब आज। और फिर मैं सफाई कर रही हूँ, किचन में बहुत गंदगी हो रही है, देखो कितना गंदगी हो रही है। डब्बे तो साफ है मतलब फिर ये ख़राब हो रहे हैं, तो हमने सोचा बर्तन पे रेत वगैरह हो रही है तो बारिश का सीजन था तो वहाँ से दिख रहा होगा आपको, वहाँ ऊपर से छेद में सारा पानी आता है, इस चिमनी का पाइप छोड़ रखा तो सारा ये चिप चिप होने लग गया। तो मैंने सोचा आज किचन की सफाई कर लेते हैं, बहुत गंदा हो रहा है किचन। बाकी मेरे पार्लर की घर की पूरी की सफाई कर ली थी मैंने, सिर्फ किचन बाकी है, किचन की कर लेते फटाफट। तो अब ऊपर से डब्बे मांग रही हूँ, ऊपर से फटाफट दे दे। डब्बों में धो के सामान डालना सारे, खाली ऐसे रखे नीचे पड़ा रहता है सामान। तो तभी तो मुझे कहते हाथ में देते जगह हो जाएगी, तो मैं सारा सामान इस पट्टी पर रख दिया, स्लैब पर जगह खास हो गया। पहले मैं डब्बे डब्बे उतारती हूँ, फिर बर्तन उतारती हूँ, जगह नहीं है फिर। हाँ फिर डब्बे डब्बे धो तो वहाँ चौक में रख दो, डब्बे सूख जाएंगे पंखा चला के, और मैं ना वो करूँगी। सारे डब्बे उतारती हूँ, ये बर्तन उतारना, फिर बर्तन बर्तन होगी, विनेगर है। अरे नहीं पहले एक बार उतरी टमाटो सॉस नहीं है, सोया सॉस है। देखो मैं पहले पहले बार गए रब्बा मैं क्या लाया हो गया, रब्बा कह रिया कोई मैनू की हो गया। चला बस आ जा एक बार नीचे, तो फ्रेंड्स इधर से खाली कर दिया, ये पट्टी पहले धो लेते हैं, फिर ये सीसी के बटन उतारे, फिर सारे बटन नीचे आ चुके हैं हमारे। तो पहले डब्बे वगैरह धो लेंगे उसके बाद। तो फ्रेंड्स डेली रूटीन के भी डब्बे हैं नीचे, तो वो भी हम आज वॉश कर लेते हैं। वैसे तो मैं करती रहती हूँ डेली रूटीन के, फिर भी साथ साथ अभी कर लेते हैं हम वॉश, फटाफट वॉश कर लेते हैं सारे डब्बे, ये पहले लाके रख लिया और मैं वॉश कर लूँगी। यहाँ देखो मैंने सुबह के बर्तन तो धो लिए थे, वॉशिंग कर लेते हैं फटाफट सारे बर्तनों को अच्छे से, क्योंकि किचन की सफाई अभी बची है। आई मीन मोबाइल में देख लेते हैं ना कितनी बची है, आई नहीं टाइम आ गया 10:41 हो गई है फ्रेंड्स, क्योंकि काम करा सब। हाँ सब तेल वगैरह सब आराम से गिरा मत देना, फिर इसमें तेल निकाल लेंगे बाद में, घी वगैरह आराम से देते हैं और धीरे धीरे सारे ये सब देते हैं, जितने भी मार रखे हैं सारे डब्बे डब्बे वगैरह मुझे सब देते हैं फटाफट। और खोलती हूँ तो बाहर क्या जाइए फोन फोन अभी गिरता डब्बे सारे धुल चुके हैं, देखो सूख रहे हैं पंखे की हवा में, ये धुल चुके हैं। और अब ये बर्तन उतार रहे हैं हम स्टील के और कांच के मतलब शीशे के, जल्दी जल्दी देते हैं। स्टील के बर्तन भी धुल गए हैं, यहाँ से ये भी हटा दिया, अभी चौक का धो लेते हैं हम फटाफट, पहले ये धो के आ जाते हैं फिर चौक धो लेंगे। फ्रेंड्स अब इसको हम धो रहे हैं यहाँ पर, ये
खाना है, मैं इसको ढाक के डाल के 10 मिनट रखूंगी। यहाँ पर भी बहुत ही जम गया है, मैं कोटे में हाथ ले लूँ, ऐसे ज़्यादा चला जाता है, लगा के छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स देखो लगभग कितना साफ हो चुका है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है, पर गैस एकदम साफ हो चुका है हमारा। यहाँ से थोड़ी बंदी तो फ्रेंड्स ये देखो हार्पिक से कितना साफ हो चुका है, ये एक दो बार धोगे तो एकदम साफ हो जाएगा। ये देखो एकदम साफ हो जाएंगे फ्रेंड्स, हार्पिक से धोया है मैंने इनको। देखो फ्रेंड्स देखो हार्पिक में डालने से जाली कितनी साफ हो गई है, पूरी कलर आ गया, और ये तो ब्लैक कुछ ऐसे ही लगा हुआ है गैस का, मतलब अभी खराब गैस निकलता है उसका है, बाकी जाली देखो एकदम नई हो चुकी है, एकदम ब्लैक थी। और अभी इसमें दो जाली और डाली हुई है, अब इसको भी देखो साफ करके दिखाते हैं। सिर्फ कुछ नहीं लगाया फ्रेंड्स मैंने, हार्पिक लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया फ्रेंड्स, ओनली फॉर हार्पिक है, जैसा थोड़ा सा साबुन लिया मैंने, मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी जाली हो जाएगी, फर्स्ट टाइम यूज़ किया मैंने, आपके लिए दूसरी वीडियो है। ये ब्लैक तो पहले था ही था फ्रेंड्स, उसका क्या देखना, पूरी ब्लैक से तो अच्छी लग रही है ना, इसको थोड़ी सी ज़्यादा वो करेंगे तो साफ हो जाएगा ये ब्लैक भी। बाकी फ्रेंड्स ये देखो कितनी साफ हो चुकी है जाली, एकदम पित्तल की निकल गई वापस। अब एक जाली है ये बहुत ही खराब हो गई थी, ये पता नहीं होगी कि नहीं होगी फ्रेंड्स सक्सेस, देखते हैं इसको, ये मुझे नहीं लगता ये सक्सेस होगी, ये बहुत खराब हुई थी, ये पूरी बंद थी, जाला तो छोड़ दिया। फ्रेंड्स इसमें थोड़ी टाइम लगेगा मुझे लगता है, थोड़ी बहुत हो जाएगी, तो पूरी जाली बंद हो गई थी। थोड़ी सी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बाकी करो तो बहुत कुछ हो जाता है। एक बार वापस हार्पिक में थोड़ी सी देर डाल के रख देते हैं जब तक हम धो लेते हैं फ्रेंड्स टाइल्स। तो फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा हार्पिक और डाल के एक बार और ट्राई कर लेंगे जाली को, फिर नहीं करेंगे अगर नहीं साफ हुई तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। देखो इस पर हार्पिक डाल दिया, इसको उल्टा रख देते हैं ताकि, ये देखो फ्रेंड्स देखते सक्सेस होगा या नहीं होगा इतनी देर भिगोने के बाद, क्योंकि जाली में बहुत ही गंदगी जमी हुई थी। होती है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स ठीक है, क्योंकि जाली के पूरे छेद बंद हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको एक बार, मुझे नहीं लगता सक्सेस होगी। फ्रेंड्स देखो काफी हद तक ये जाली साफ हो चुकी है, बहुत ही 100% में से 70% बहुत ही अच्छी हो चुकी है, और एक दो बार कभी और करेंगे तो एकदम पूरी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि एक बार में नहीं जाता है फ्रेंड्स, कोई भी जिद्दी दाग हो कुछ भी हो, तो फिर भी हार्पिक ने अपना कमाल तो दिखाई दिया, थोड़ी हाथ की मेहनत भी लगी है। हो गई है फ्रेंड्स इसको, फ्रेंड्स ये देखो फाइनली सफाई हो चुकी है, वहाँ से हमने झाड़ू पोछे पूरे घर की कर ली है, आंगन आंगन धो के ये देखो एकदम सफाई हो चुकी है, ये देखो फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ कर लिया है, किचन प्लेटफार्म ऊपर का टाइल्स वगैरह, गैस भी देखो कितना। फ्रेंड्स यूजफुल वीडियो है ये आपके लिए, देखो गैस की जाली वगैरह ब्लैक कलर का पूरा हो रहा था, देखो कितना गंदा हो रहा था, सब कुछ साफ हो गया है। और हमने अभी देखो खाना वाना खा लिया है फ्रेंड्स, तो ये खाना खा के अभी जो भी बर्तन है वही है, और यहाँ चाय बन रही है, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं,
और बाद में फ्रेंड्स हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बर्तन वापस ये डब्बे वगैरह जो भी स्टील के बर्तन कांच के बर्तन है वो जमाएंगे, डेकोरेट करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। ये भी मैंने धोती थी, ये ऑफ कैमरा में धोती, यहाँ से भी सफाई कर ली, ये भी धोती, देखो कितनी चमक रही है, सब कुछ धोती है मैंने, पूरी टाइल्स वगैरह और फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ कर लिया था, धोकर नहा भी लियो फ्रेंड्स, दोबारा नहा लियो मैं, और अब सिर्फ कपड़े मशीन में लगाने और हम रेस्ट करेंगे। मेरे हस्बैंड वगैरह चाय भी देते, वो चले जाते फिर रेस्ट करने के बाद। ओके फिर क्या करते हैं, वापस शेयर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, लोग अच्छा लगे तो ये लाइक से सब्सक्राइब करना, और वो देखो वो सो रहे हैं मेरे फ्रेंड कमरे में, लिख रहे होंगे आपको, तो फटाफट उनके लिए चाय बना देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक के लिए बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, उठ चुके हैं, खाना वगैरह खा भी लिया था, सो भी गए थे, चाय वगैरह अभी तो फिलहाल पहले पी थी, अभी नहीं पिए, और अब जो भी कस्टमर आ गए थे तो उठ गए थे, हम उठे तो मैं 5 बजे थी, मतलब 4 बजे सॉरी, परी मदरसे से आने के बाद सो गए थे मैं और परी, फिर 5 बजे उठे तो 5 देखो 5:30 हो गई है क्योंकि कस्टमर आ गए थे, और अब हम कर रहे हैं सफाई। क्या है चाबी वहीं रखती ना, ये वहाँ ऊपर से लेके आई ना, तो वहीं रखे, फिर ऊपर निकाले की चाबी मिलती नहीं है, इसलिए रखे आई थी। तो फ्रेंड्स अब ये जो बर्तन धोने हैं वो दोपहर के खाना खाए हुए, तो मैंने सोचा पहले ये बर्तन ऊपर प्लेटफॉर्म इस पर जमा देते हैं और फिर ये ना हम दूसरा काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से हटाएंगे तभी तो नेक्स्ट बर्तन धोके रखेंगे, तो अब तो ये भी सूख गई होगी। फिर कपड़े भी सुखाने फ्रेंड्स, बर्तन परे आ जा, है ना कपड़े भी सुखाने हैं, क्योंकि ये काम करने के बाद मुझे कपड़े भी सुखाने, कपड़े भी काफ़ी हो चुके थे, कल धोए नहीं थे, परेशान हो गई थी और आज धोए हैं, तो बोलो ये देखो फ्रेंड्स, सारे बर्तन जमा दिए हैं हमने, और देखो कितने चमक रहे हैं मेरे बर्तन, ये देखो सारी सफाई हो चुकी है। ये देखो नीचे वगैरह सब जगह सफाई कर ली है मैंने, फ्रेंड्स फाइनली देखो पूरे घर की सफाई हो चुकी है, फ्रेंड्स देखो गैस की जाली भी कितनी साफ हो गई थी, ये तो दोपहर में वापस हो रही है, और ये देखो पूरी पीली कलर की निकल गई थी, गैस की जाली वगैरह सब साफ हो गई है। अगर आज का सफाई का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी में आपके लिए यूजफुल वीडियो भी है कि मैंने कैसे जाली साफ की है, कितनी मेहनत से और आसानी से हो गई है फ्रेंड्स, तो यूजफुल वीडियो है तो वीडियो पूरी देखना और लाइक शेयर जरूर करना मेरे चैनल को। तो ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, बच्चों की 7 देखते हैं, एक बार 7 तो बज ही गई होगी, हाँ फ्रेंड्स 7:05 कम है तो 7 बज गई है, तो व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि शाम का खाना वगैरह की तैयारी करनी है, तो बाय बाय, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।